वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। इंडियन एयर फोर्स और नेवी के कैंडिडेट्स ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और कुछ चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हैं आप। देखिए, इसमें मैं क्लियर कर दूं कि 300 ऐसे मिस स्पेल्ड वर्ड बताए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली कई बार पूछे जाते हैं, और ये जो 300 वर्ड होगा उसको आपको तैयार करने का तरीका भी हम यहाँ पे बता दें आपको कि आपको इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। एक लिस्ट बना लीजिए, एक नोट बना लीजिए और उस पर लिखिए इस चीज़ को, और एक एक वर्ड को जो डिफ़िकल्ट है उसको आप 8-8 बार 10-10 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपली वो वर्ड आपका हो जाएगा हमेशा के लिए, हो जाएगा लाइफ टाइम। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको ज़िंदगी भर काम देने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें होंगी और एग्ज़ाम के लिए ये जो 300 वर्ड हमने सेलेक्ट किए हैं ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से लिए गए हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक तैयारी करेंगे। और ये जो तैयारी है जीत की 2020 की ये तैयारी है, और एयरफोर्स नेवी कैंडिडेट्स बिल्कुल सीरियस होकर इस सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे जिसका ये चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम एक एक करके आपको धीरे धीरे सारे स्पेलिंग को दे देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप PDF प्राप्त करना चाहें तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं द सुधीर पांडे सर्च करके। वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें PDF के माध्यम से दी जा रही है आप उसको ज़रूर लीजिए, उसका लाभ आपको बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, और इसका हम अलग से प्लेलिस्ट बना के उसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। आप बिंदास आप बने रहिए साथ ही साथ, और अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहिए। आज का ये जो पहला वर्ड आपके सामने है वो है सीग्रेट। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि आपके एग्जामिनेशन में जो डबल लेटर वाले वर्ड रहते हैं खास करके वो कई बार पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ही वर्ड ऐसा आया जिसमें कि डबल स्पेलिंग डबल लेटर दिया हुआ है, CIGARETEE। ध्यान देंगे और इस वर्ड को आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड वर्ड की जो बात करते हैं वो है एथलीट। एथलीट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ATHLETE। एथलीट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एथलीट का मतलब होता है खिलाड़ी, पहलवान या कि फिर योद्धा। नेक्स्ट तीसरे वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा जो वर्ड है आपके सामने आप देख सकते हैं कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब होता है विवेक, यानी कि अंतःकरण, जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ऐसा सेंस, ऐसी समझ कि क्या सही है क्या गलत है, उसको क्या बोलते हैं कॉन्शियंस, CONSCIENCE। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। फोर्थ नंबर का जो वर्ड है आपके सामने देख सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कलोक्वियल, ठीक है। कलोक्वियल, कलोक्वियल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बोलचाल की भाषा। आपको एक चीज़ और समझा दें यहाँ पे कि कभी भी लोकवा शब्द जब भी आ जाए, यानी LOQU, ठीक है, LOQU, किसी भी वर्ड में ऐसा दिखे लोकवा शब्द, इसका मतलब भी होता है कि बोलचाल से संबंधित कोई भी चीज़ होगी। जैसे कि लोकवासियस, लोकवासियस मतलब होता है बातूनी, ठीक है। और रूट वर्ड की आप वीडियो देखने के लिए सुधीर पांडे, वोकैबुलरी बाय सुधीर पांडे के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको देखिए, वहाँ पर बहुत सारी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस वर्ड को ध्यान देंगे। फाइव नंबर के वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि इररेलेवेंट भी कई बार पूछा जा चुका है, IRRELEVANT। इसको आप कम से कम 8 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे। इररेलेवेंट का मतलब होता है असंगत, यानी कि खराब लोगों की संगति। नेक्स्ट जो वर्ड है जुबली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, JUBILEE। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, LEE होता है, ध्यान रखेंगे। जुबली का मतलब होता है जयंती, जैसे कि आपने सुना होगा कि सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली है और डायमंड जुबली है, ठीक है। ये एक स्पेशल एनिवर्सरी होता है किसी भी इवेंट का, ठीक है। सेवंथ वर्ड की तरफ बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। सातवां जो शब्द है वो आपकी स्क्रीन के सामने, अकस्टम। अकस्टम का मतलब देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ACCUSTOM। अकस्टम का मतलब होता है आदि बनना, किसी भी चीज़ का आदि बनना या कि फिर वो चीज़ आदत में डालना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आठवां वर्ड जो आपके स्क्रीन के सामने है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, यानी कि कार्य क्षमता, EFFICIENCY, एफिशिएंसी। देखिए, इसका साइनोनिम बहुत तेज़ी से पूछा जाता है, यानी कि साइनोनिम लगभग कई बार इसका पूछा जा चुका है, तो एफिशिएंसी का साइनोनिम हो सकता है कैपेबिलिटी या एबिबिलिटी या प्रोफिशिएंसी या कि फिर स्किल या कि फिर ऑर्डिनेंस या कि फिर
रेगुलेशन कह सकते हैं या कि फिर प्रोडक्टिविटी। तो इसके बहुत सारे सिनोनिम हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पे द सुधीर पांडे सर्च करके ज़रूर वहाँ पे जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही समय धीरे धीरे करीब आ गया है, तो हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे भी द सुधीर पांडे सर्च करके वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन रखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।